हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद छगन अरोड़ा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए माय मदर, जो कि हमारे सिलेबस में एक एक्सेप्ट है, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नीरज सिंह चौधरी, इसकी समरी लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, आप में से काफ़ी ने इसकी डिमांड की थी माय मदर के ऊपर वीडियो बनाने की, तो आज आपके लिए है माय मदर। माय मदर इज एन एक्सेप्ट फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नीरज सिंह चौधरी। ये नीरज सिंह चौधरी का एक हिस्सा है। हेयर ही ले स्ट्रेस ऑन द डिस्टिंक्टिव फीचर्स एंड कन्विक्शंस ऑफ हिज मदर हु इज अनलाइक एवरेज इंडियन मदर्स। यहाँ वो ये बताते हैं कि उनकी माता जी की क्या क्या खासियत थी, क्या क्या उनमें विशेषताएँ थी जो कि एवरेज सामान्य भारतीय माताओं में नहीं होती है। शी इज नो वे ए सुटेबल मैच फॉर हिज फादर। वो अपने उनके पिताजी के लिए एक सूटेबल, एक उपयुक्त साथी नहीं थी। फॉर बीइंग ए कंप्लीट कॉन्ट्रास्ट टू अपीयरेंस, टेम्परामेंट एंड आउटलुक, क्योंकि वो उनसे अपीयरेंस में, देखने में, टेम्परामेंट, उनके मिजाज में वगैरह में वो एकदम विरुद्ध थी। ऑन दी वन हैंड मदर इज स्लाइट एंड फ्रगाइल, एक तरफ तो माँ दुबली पतली कमज़ोर थी। ऑन दी अदर फादर इज रोबुस्ट, जबकि पापा हस्त पुष्ट स्वस्थ थे। सिमिलरली मदर्स फेस इज एज रिस्पॉन्सिव, माँ का फेस जो था वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव था, लाइवली था, जीवंत था। एज हिज फादर इज इम्पैसिव, जबकि पिताजी का जो चेहरा था वो बिल्कुल, उस पर किसी भी प्रकार का कोई भी हमें इम्पैसिव था, मतलब किसी भी प्रकार का उनके ऊपर कोई वो नहीं था, भाव नहीं व्यक्त होता था। माँ का चेहरा पूरी तरह भावों से भरा हुआ था। शी इज ऑलवेज विविड एंड हाई स्ट्रंग, वो बहुत ज़्यादा जीवंत हैं। और एक और बात बताता है, हर फेस अपीयर्स टू बी थॉटफुल विच शी इज नॉट एट ऑल, उनका चेहरा देखकर ऐसे लगता है कि ये किसी विचार में मगन है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। शी इज नॉट हैंडसम, हैंडसम नहीं है। हर फोरहेड इज वेल शेप्ड, उनका माथा बहुत अच्छा सा बना हुआ है। हर फेस इज ओवल एंड बोर्ड, उनका चेहरा गोल है और चौड़ा है। हर आईज आर लार्ज, उनकी आंखें बड़ी हैं। एंड नोज वेरी रेगुलर एंड प्रोमिनेंट, और उनकी नाक बहुत ही सामान्य और बहुत ही शानदार नाक है। लिप्स वेलकट, अच्छे होंठ हैं। हर चिन इज रिमार्केबल फॉर बीइंग नीटली शेप्ड, उनकी जो ठोड़ी है वो भी बहुत बढ़िया सी है। बट नॉट प्रेटी इनफ फॉर दी अपर पार्ट, लेकिन उनका जो बाकी हिस्सा है उसके मुकाबले ज्यादा सुंदर नहीं है। ऑन दी होल, पूरी तरह से देखने पर ऐसा लगता है, हर फीचर गिव एन इम्प्रेशन ऑफ अनस्लीपिंग अलर्टनेस एंड इन एग्जॉस्टेबल एनिमेशन, उनके पूरा देखने पर हमें ऐसा लगता है कि उनके जो फीचर ये बताते हैं कि ये लेडीज जो हैं कभी भी, हमेशा कभी भी सोती नहीं, हमेशा अलर्ट रहती हैं, और इनके अंदर बहुत ज़्यादा एनिमेशन है, इनएग्जॉस्टेबल, कभी भी वो ख़त्म नहीं होता है, वो उनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी है। हर अपीयरेंस इज ऑलवेज डिसेप्टिव, उनकी जो अपीयरेंस है, जो उनका है, वो हमेशा धोखा देती है। बिकॉज इट डज नॉट शो व्हाट शी इज, क्योंकि इस अपीयरेंस से हमें ये नहीं पता चलता कि वो हैं क्या। हर मॉरल कन्विक्शंस आर वेरी स्ट्रॉन्ग, उनकी जो नैतिक मान्यताएं हैं वो बहुत ज़्यादा ऊंची हैं। शी इज ऑलवेज फनेटिक ओवर द क्वेश्चन ऑफ राइट एंड रॉन्ग, वो सही और गलत के प्रश्न पर हमेशा बहुत ज़्यादा ध्यान देती हैं। शी इज इनटॉलरेंट ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिवनेस, दिखावे का, वो दिखावे को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करती हैं। शी हार्डली कंसील्स हर इमोशंस, वो कभी भी अपने जो उनके जो इमोशंस हैं, जो उनके अंदर उनके जो संवेग हैं, जो उनकी भावनाएं हैं, उन्हें कभी भी छुपाती नहीं है। शी गेट एक्साइटेड वेरी सून, बहुत जल्दी एक्साइट हो जाती हैं, उत्तेजित हो जाती हैं। बट शी हैज़ द कैपेसिटी, अनलाइक एन एवरेज इंडियन मदर, टू कंट्रोल हरसेल्फ विदाउट बीइंग पैनिकली, पर हालांकि वो बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाती हैं, पर उनमें एक ऐसी क्षमता है जो कि आम भारतीय माता में नहीं होती है, कि वो अपने आप को कंट्रोल कर, अपने आप को
बिना किसी टेंशन के नियंत्रण में कर लेती हैं। द लग्जरी ऑफ सेल्फ पिटी एज वेल एज सिंपैथी इज सीवरली एट कंट्रोल इन हर हाउस। उनके घर में कोई भी बंदा अपने आप को सेल्फ पिटी नहीं कर सकता है, अपने आप को दुखी नहीं दिखा सकता है, और सिंपैथी सहानुभूति जो है ये जो उन वो की, क्योंकि आप लाइन से देख सकते हैं लग्जरी है ये, तो उनके घर में ये पूरी तरह से बहुत जबरदस्त उन्होंने कंट्रोल कर रखा है। अभी कोई भी अपने घर में अपने आप को दुखी नहीं दिखाएगा, किसी को सहानुभूति नहीं दिखाएगा। शी डज नॉट लाइक द फॉल्ट्स ऑफ करेक्टर लाइक फॉल्सहुड डिसऑनेस्टी मॉरल कोवार्डिस एंड मीननेस। चरित्र की जो कमियां हैं जैसे कि झूठ बोलना, बेईमानी करना, मॉरल कोवार्डिनेस नैतिकता से कमजोर नैतिकता और मीननेस घटियापन, उन्हें जो चरित्र की कमी है वो बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं। शी कंडम्स वाइस, वो बुराइयों का विरोध करती है, एंड डिस्पाइस दी टैक्टिक एक्सेप्टेंस ऑफ एन एडवांटेज, और उन्हें ये भी पसंद नहीं है कि कोई बंदा किसी चीज़ का बेवजह फ़ायदा उठाए, कोई एडवांटेज ले ले, नहीं। द राइटर साइट्स टू एग्जाम्पल्स टू क्लैरिफाई इट, राइटर इसके लिए हमें दो एग्जाम्पल देता है। ही सेज, वो कहता है, इफ मदर पुट्स पीस ऑफ स्वीट बिफोर देम दे वुड आस्क हर टू गिव द पीस टू देम। वो कहता है कि अगर माँ हमें कभी, अगर मान लीजिए माँ कभी हमें कोई पीस देती है, कोई मिठाई का पीस उनके आगे रख देती है, तो वो हमेशा यही कहते हैं कि मम्मा आप ही हमें ये सही करके आप ही हमें दे दो, क्योंकि उनको पता है कि इफ इट वाज बिकॉज, ऐसा इसलिए होता था बिकॉज इफ एनीवन टेक द बिगर पीस शी वुड बी एंग्री, कि अगर किसी ने बड़ा हिस्सा ले लिया तो, जैसे मान लो किसी को पहले मौका मिला और उसने बड़ा हिस्सा ले लिया तो वो नाराज हो जाती थी। द अदर इंस्टांस इज ऑफ द राइटर्स हॉस्टल, एक दूसरा जो उदाहरण देता है वो उनका हॉस्टल का उदाहरण देता है। इन द हॉस्टल, हॉस्टल में द बोर्डर्स, जो हॉस्टल में रहने वाले होते हैं, लिविंग नियरर टू डाइनिंग हॉल वाज एट द एडवांटेज ऑफ गेटिंग देयर मील इन अर्लियर। उनको एक मौका मिलता था, जो लोग डाइनिंग हॉल के पास रहते थे उनके सामने एक मौका होता था कि वो अपना खाना जल्दी ले सकते थे। फॉर द डाइनिंग हॉल वॉज नॉट लार्ज, क्योंकि डाइनिंग हॉल ज्यादा बड़ा नहीं था, एक साथ सारे जने पूरे नहीं आते थे, तो जो नजदीक होते थे उनको जल्दी मिलता था। द स्टूडेंट्स लिविंग अपस्टेयर्स यूज्ड टू कम डाउन साइलेंटली टेकिंग देयर शूज इन हैंड इन ऑर्डर टू गेट देयर चांस अर्लियर साइलेंटली। तो जो ऊपर सीढ़ियों पर, जो ऊपर वाली मंजिल पर जो स्टूडेंट्स रहते थे, वो चुपचाप अपने जूते अपने हाथों में लेकर आते थे कि ताकि वो जल्दी खाना ले सके। द राइटर सेज इट वॉज द स्ट्रिक्ट गाइडेंस ऑफ हिज मदर दैट नेवर अलाउ हिम टू टेक सच एडवांटेज। राइटर कहता है कि ये माँ के जो माँ ने मुझे सख्त एक नैतिक मूल्य सिखाए थे, जिन्होंने मुझे कभी भी ये अलाउ नहीं किया उनको भी कि मैं कभी ऐसा फ़ायदा उठाने की भी सोचूं। ही सेज वो सोचते हैं कि ही ऑलवेज फेल्ट दैट वेट फॉर वंस टर्न वाज ऑलवेज जस्टिफाइड, कि आदमी को जो आदमी अपनी अपने मौके की इंतजार करता है वो हमेशा बिल्कुल सही करता है। द अदर थिंग दैट द राइटर हैज लर्न फ्रॉम हिज मदर, जो एक बात और उसने अपनी माँ से सीखी, दैट गुड मैनर आर ऑलवेज ए मैटर ऑफ फंडामेंटल डिसेंसी एंड नॉट ऑफ एक्सटर्नल पॉलिश। तो उन्होंने एक बात यह भी सीखी कि जो ये अच्छे मैनर्स हैं वो क्या है, एक फंडामेंटल डिसेंसी भी, वो आपके अंदर क्या है कि वो आपकी आपके जो व्यक्तित्व है उसके एक आधारभूत गुण है, नॉट ऑफ एक्सटर्नल पॉलिश। ना कि वो हमें, कई बार क्या होता है, कई लोग क्या होते हैं सबके सामने अच्छे मैनर्स दिखाते हैं लेकिन वास्तव में वो होते नहीं है। तो कहता है कि एक्सटर्नल पॉलिश के नहीं है, वो फंडामेंटल है, आपके अंदर होने चाहिए। द चिल्ड्रन इन हिज हाउस नेवर विस्पर्ड और लाफ इन द प्रेजेंस ऑफ विजिटर्स, उसके घर के जो बच्चे होते थे वो कभी भी, जो उनके घर में कोई मेहमान आते थे उनके सामने कभी भी हंसते नहीं थे या फुसफुसाते नहीं थे। इफ एनीवन डिड इनोसेंटली इवन देन ही वॉज सीवरली डील्ट विद आफ्टरवर्ड, कोई ऐसा करता था उसे बाद में डांट पड़ती थी। बैड मैनर फॉर हर वॉज ए सीन नॉट merely against a code of social behavior but against charity।
जो बुरे काम थे वो उसके लिए एक पाप थे, सामाजिक व्यवहार के खिलाफ नहीं बल्कि चैरिटी के खिलाफ थे। राइटर कंक्लूड करता है कि वो हमेशा, माँ जो है हमेशा मेरे लाइफ में एक गाइडिंग फोर्स रही है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे शेयर करना, चैनल को लाइक करना ना भूले। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।